गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दावाई पानी। एंड आज नॉर्थ बंगाल में मेरा लास्ट डे होने वाला है। एंड आज जितना हो सके मैं उतना नीचे चला जाऊंगा। तो कल घर पहुंचने में मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है। पूरा एकदम बादल आ चुका है, तो कभी भी ज़ोर से बारिश शुरू हो सकती है। एंड इट्स गोइंग टू बी टफ़। सो देखते हैं क्या होता है। कल तो शाम के वक्त पूरा भीग के आए थे यहाँ पे, बट इट वॉज़ फन राइड। लेकिन अभी मैं पूरा लगेज के साथ रहने वाला हूँ, सो इट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट, बट कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से उतना जल्दी निकलूँगा। अभी बजा है करीब 6:57, तो 7। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट आउट फ्रॉम हियर अराउंड 8:30। सो दैट इज़ द टारगेट। एंड देखते मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मैं बाइक चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उतने में मैं अगर करीब 250 किलोमीटर में आज कवर कर लेता हूँ, तो कल मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। कल अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 300 किलोमीटर बस कवर करना पड़ेगा, विच विल बी फाइन। सो दैट्स द थिंग। तो मिलते हैं ऑन दैट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, पूरा तैयार वैयार होके। एंड राइट नाउ आई एम पैकिंग अप माई ऑल ऑफ माई स्टफ्स, यू कैन सी। सो इट्स इट्स अ बिग जॉब है ना। जब आप अकेले आते हो तो बहुत कुछ आपके दिमाग में रहता है, एंड यू हैव टू पैक ऑल दोज थिंग्स आप। तो एनीवे मिलते हैं रास्ते पे। हेलो गाइस, तो आप लोग मौसम का हालत देख सकते हो। सो दैट इज़ वाई फिर से मैंने अपना छोटा वाला गोप्रो ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी बारिश हो सकती है, तो सब कुछ पहन के मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, रेन जैकेट एंड रेन पैंट। ओके, तो अभी चलते हैं टूवर्ड्स कार्शियंग। इस जगह को बाय बाय बोलने का तो मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील इन लव विद दिस प्लेस एंड दिस पीपल। बीरेन जी, उनकी वाइफ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू मिस दिस प्लेस। सो थैंक यू, थैंक्स टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे इस होम स्टे का एड्रेस दिया। सो थैंक्स अ लॉट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। सो या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो अभी चलते हैं। पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ एंड ये सब कुछ लगाते हुए थक चुका हूँ ऑलरेडी एंड आई एम फीलिंग हॉट। सो लेट्स गो।
कार्शियांग पर से यहाँ से जाइए 5 किलोमीटर दूर जोरबंगला। अच्छा आपको 12-13 मिनट लग जाएगा। जोरबंगला बाजार मिलने के अब है बाया तरफ जाना पड़ेगा, जो आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा वहाँ से दाया नहीं बाया, वहाँ से आपको 40-45 मिनट लग जाएगा कार्शियांग पहुँचने में। ठीक है, वो हाईवे रोड है, हाईवे मिल जाएगा, वहाँ से बाया तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, जा रहा हूँ। नेविगेशन ऑन कर सकता हूँ लेकिन आज बहुत दूर मेरे को कवर करना है, तो दैट इज़ वाई मैं अभी फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्शियांग तक पहुँच जाएंगे, ये सामने एक और जगह है वहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो जोर बंगलो जगह का नाम है, तो वहाँ पे पहुँच के किसी और से पूछ लेंगे। तो आई विश इन जोर बंगलो एंड अभी यहाँ से कार्शियांग रहेगा और भी 40 के आसपास एंड इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन, तो बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा। एंड आई गेस ये जो पटरी आप देख रहे हो रेल की पटरी, द टॉय ट्रेन, तो ये टॉय ट्रेन की जो पटरी है इसी को फॉलो करते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। That is it. Okay, मैं अभी सब गाड़ी को पास दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहा है एंड ऊपर से ये पूरा नीचे का रास्ता है, तो दैट इज़ वाई बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। आई एम नॉट यूजिंग माई क्लच, ओनली ब्रेकिंग एंड इंजन का जो ब्रेकिंग होता है बस वही चल रहा है एंड रेयर ब्रेकिंग कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शिट यार, आई कैन सी नथिंग गाइस। ये जो पटरी है ना ये बहुत स्लिपरी होता है, ये कभी कभी रास्ते के ऊपर भी आ जाता है, तो वहाँ पे कभी भी लोग ब्रेक मत दबाना। ब्रेक अगर दबाया तो काम से गया। लाइट भी ऑन नहीं है इन लोगों का। क्या कर रहा हूँ मैं राइट नाउ, माय हार्ट इज बीटिंग प्रीटी फास्ट। ओह गॉड, बेसिकली अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा मेरे को। Imagine guys,
तो लगता है अगर ऐसा सीन चलता रहा तो कालिम्पोंग पहुँचते पहुँचते करीब एक घंटा लग जाएगा। गाइस सो धीर सोनारा रेलवे स्टेशन सोनारा पहुंच चुके हैं। यहाँ से गाशियांग और ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस आधा घंटा टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा बादल क्लियर हुआ था बट अभी फिर से लग रहा है कि बादल आ रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक जस्ट गॉट क्लियर्ड एंड नाउ इट्स अगेन द क्लाउड टाइम। ओके तो मौसम हद तक साफ हुआ है अभी एंड यहाँ से काशियांग और करीब 8 किलोमीटर है, तो होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। देर की बात है बाहर और नहीं दिखेगा कुछ देर बाद, तो बस ये सारे नज़ारा अभी के लिए एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर कब आएंगे पता नहीं, बढ़ाएंगे जल्दी आएंगे। काशियांग में करीब पिछले आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ मैं, एंड ये है काशियांग स्टेशन। तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। पहाड़ों में अगर आप आते हो तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय द राइड, बट जब ट्रैफिक लगता है तब दिमाग ख़राब हो जाता है एंड हाथ में बहुत दर्द करता है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है, काशियांग में बहुत जगह पे रास्तों में काम हो रहा है,
तो दैट इज़ वाई इसके वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग रहा है, बट ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो सही हो जाएगा सब कुछ। ओके सो कार्शियम फाइनली क्रॉस कर रहे हैं हम, आई होप कि और ट्रैफिक ना हो सिलीगुड़ी। राइट नाउ इट्स 10:53, देखते हैं 11:30 तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और थोड़ा आगे चल के मैं थोड़ी देर के लिए बस 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। सिलीगुड़ी 45, रोहिणी 20 किलोमीटर, तो काम करते हैं रोहिणी में जाकर रुकते हैं, वही बेहतर रहेगा। 20 किलोमीटर कवर कर लेंगे अगर रास्ता ऐसा ही खाली रहा तो, लेट्स सी। जब मैं एक बार प्रैक्टिस मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं निकला था वहीं मेरे घर के वहाँ पे, तो ऑन दैट टाइम मैंने एक बात बोला था कि यार इतना बात कैसे कर लेते हैं मोटो ब्लॉगर्स, तो वही सीन मेरे साथ अभी भी चल रहा है। मेरे को पता नहीं लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एंड व्हाट शुड आई से, तो इट्स वेरी न्यू टू मी आई गेस कि ये अगर मैं कंटिन्यू करता रहूँगा देन इट विल बी ऑल राइट, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम अ वेरी गुड मोटो ब्लॉगर, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ गुड मोटो ब्लॉगर नेवर। ओके यहाँ का रास्ता बहुत ही नीचे धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। गाइस मैं सोचा था कि रोहिणी में जाके रुकेंगे लेकिन हाथ में थोड़ा ज़्यादा दर्द कर रहा था, सो दैट इज़ वाई उससे थोड़ा पहले मैं रुक गया एंड थोड़ा सा चिल करने के बाद अभी फिर से मैं रवाना हो रहा हूँ टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। रास्ते में देखेंगे अगर कहीं पे इच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं रुक जाऊँगा, नहीं तो सीधा सिलीगुड़ी में। एंड ये सब पहन के ना बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर पूरा पसीना पसीना हो रहा है, बट आई कॉन्ट टेक रिस्क क्योंकि बहुत दूर जाना है, सो भीग नहीं सकते बारिश में, सो दैट इज़ इट। अभी चलते सीधा सिलीगुड़ी में। Okay, so that is a famous spot. Oh, I love Kashyang. So, Kashyang ko Tata bhai bhai bolte hue, abhi hum ja rahe hain towards Rohini. Rohini matlab wo kind of like plain land hi ho gaya. So, zyada time to nahi lagne wala hai. बस यहाँ का रास्ता थोड़ा सा यू नो स्टीप है तो संभाल के चलाना पड़ेगा, बस और बारिश ना हो नीचे सिलीगुड़ी में उतर के। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस रेन जैकेट मैन, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमें अंदर। व्यू है भाई, जाने का मन ही नहीं करता है। Damn, man.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से होगा। These guys are having some fun. सिलीगुड़ी और बस 22 किलोमीटर है, और सामने ये जो बंदा है ये आज जाएगा मुंबई बाइक से, नहीं इसका फ्लाइट है फ्रॉम बागडोगरा। सो दैट इज़ इट गाइस, ये पहाड़ों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। मैन आई एम फीलिंग टू मच सैड यार। फर्स्ट डे इट वॉज लाइक टू मच बोरिंग फॉर मी ऑन द प्लेन लैंड, बट उसके बाद इट वॉज लाइक हेल ऑफ राइड मैन, आई जस्ट लव्ड इट एंड दैट वॉज अमेजिंग। बहुत कुछ फेस किया मैंने, गिर गया, सब कुछ हुआ, बट मैम राइट नाउ आई एम अ बिट इमोशनल एंड आई एम फीलिंग टू मच गुड। ओह गॉड, ठीक है चलो फिर से आया जाएगा, अभी चलते हैं टूवर्ड्स रायगंज। सो आई जस्ट रीच्ड इन रायगंज, दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहाँ पे आज मैं रहने वाला हूँ आज पूरा रात, एंड राइट नाउ इट्स 5:00 इन द आफ्टरनून, और मैं यहाँ पे 4 बजे तक मैं पहुँच गया था। तो अगर आप लोग बहुत दूर से नॉर्थ बंगाल का ट्रिप करते हो देन आप यहाँ पे हॉल्ट ले सकते हो, बहुत दूर से मतलब लाइक हावड़ा या फिर उससे भी थोड़ा सा दूर जो लोग यहाँ पे वहाँ पे रहते हो, सो दे कैन यू नो टेक अ हॉल्ट इन या सिलीगुड़ी में, लौटने के वक्त सिलीगुड़ी में रहना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तब तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। सो सिलीगुड़ी से मैं करीब 100 किलोमीटर, 100 से भी ज़्यादा होगा, तो मैंने कवर कर लिया है आज ही। सो स्ट्रेट फ्रॉम दवाई पानी आई एम हियर टुडे, और यहाँ पे मैं बाहर जा सकता हूँ, आप लोगों को ये जगह दिखा सकता हूँ, बट राइट नाउ देर आर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई माइंड, सो आई जस्ट नीड टू प्रोसेस ऑल दोज थिंग्स एंड आई विल जस्ट टेक अ रेस्ट, और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग, एंड ये जो पूरा जो मोटो ब्लॉगिंग का एक जो ट्रिप था मेरा सोलो, सो ये यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, एंड आई विल ट्राई टू मीट यू गाइज यू नो शॉर्टली। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द फिर से कोई यू नो ट्रिप में मैं जाऊँ एंड कुछ वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि ये बनाना ये करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, सो दैट्स ऑल, आई एम साइनिंग ऑफ इन हियर एंड टेक केयर, प्लीज़।